जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और देखिए अब हो रहा है सुबह का 8 बजे का टाइम, और देखिए यहाँ इनकी साइकिल धुली जा रही है और बड़े इत्मीनान से साइकिल धुल रहे हैं। देखिए इतनी सफाई से साइकिल साफ कर रहे हैं दोनों। गौरव अपनी साइकिल साफ कर रहा है, ये अपनी साइकिल साफ कर रहा है, और भाई चलाते हैं तो साफ भी खुद ही करते हैं और बहुत अच्छे से साफ करते हैं। तो यहाँ इनकी हो रही है साइकिल साफ। और मैं बना रही हूँ सब्जी। मैं बता दूँ किस चीज़ की सब्जी बन रही है। मेरी बन रही सब्जी आलू बैंगन टमाटर की सब्जी। तो मैं जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ, मुझे नाश्ता बनाना है। और नाश्ते में आज मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, आज केवल सिंपल सब्जी और पराठे ही बनाऊँगी और कुछ रोटियाँ सेक दूँगी। तो यहाँ मेरी बन रही है सब्जी फ्रेंड्स। तो यहाँ बना रही हूँ मैं नाश्ता, सब्जी मेरी बन जा रही, इसके बाद में बस रोटियाँ सेक ली। और फ्रेंड्स यहाँ हम लोग आए हैं शाम के टाइम के रौना के मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये मुरैना में। तो मैंने कहा दर्शन कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गया तो यहाँ हम लोग आए हुए हैं, आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। और मैं आप लोगों को पहले भी दर्शन करवा चुकी हूँ, आप लोग दर्शन कर चुके हैं, दर्शन कर लीजिए एक बार। तो जानते हैं कितनी भी आपके अंदर थकावट हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन मंदिर वगैरह जाते हैं ना तो एक मन को शांति मिलती है। तो बस मेरा मन किया तो मैं इनके सबके साथ में चली आई। और अब आ चुके हम लोग घर, और आप लोग देखिए पर छत में सफ़ेद कबूतर बैठा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन और भी बैठे हैं लेकिन ये वाला एकदम हटके है। कबूतर तो रोज ही बैठते हैं लेकिन ये वाला कबूतर एकदम हटके है और बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है क्योंकि सबसे अलग है। और ये है दूसरे दिन की बात, मैं गई थी स्कूल और वहीं मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने इनको कॉल करके बुलाया, तुरंत ये आ गए। मैं
हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल, और घर में तो बताया ही नहीं बच्चों को, और कॉल करके ही बता दिया कि ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई और हम लोग निकल आए हैं ग्वालियर के लिए, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल में ही मेरा इलाज चलता रहा है। तो ये जो पहले के पर्चे वगैरह थे तो ये घर से उठा के लेके आ गए फाइल, और हम लोग यहीं के यहीं निकल आए हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर, और हालत मेरी ऐसी, मतलब ऐसे थी लेकिन अब और ज़्यादा बढ़ गई, तो मैंने इनको कॉल करके बहुत बताया और तुरंत आ गए हम लोग यहीं के आई स्कूल के स्कूल ग्वालियर के निकल आए, घर भी लौट के नहीं गई, और बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाली हूँ। यहाँ से 5-6 मिनट की रास्ता है अपोलो हॉस्पिटल की, ग्वालियर हम लोग आ ही चुके हैं, तो बस पहुँचते हैं। और बच्चों को तो हम लोगों ने कॉल करके बताया, नीचे दीदी से कॉल करके बताया, और हमने बच्चों को समझा दिया होगा, और हम लोग पहुँच रहे हैं हॉस्पिटल। अब हम लोग पहुँच चुके हैं ग्वालियर, क्योंकि हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो बस हॉस्पिटल पहुँचने में 3-4 मिनट हैं, पहुँचने ही वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम आ चुके हैं हॉस्पिटल अपोलो, और अब बस हम लोग अपने नंबर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि नंबर हम लोग को बहुत लेट लगा। अगर पहले से लग जाता तो आ जाता टाइम से, लेकिन पहले से ऐसे तो कुछ पता नहीं था, तो देखिए कब तक नंबर आता है। तो बस हम लोग बैठ के यहाँ वेट कर रहे हैं, जानते हैं वेट करना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो भी जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन हो गया, बैठे हैं। और यहाँ हम लोग आ चुके हैं घर, तो पैर में मेरी दिक्कत सी हो रही थी, और चढ़ने में बैठे बैठे और परेशान हो गए, पहले से ही तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ दोनों बेटों को मैं छोड़ के घर पे अकेली गई थी, तो सच में बहुत उससे इंतज़ार कर रहे थे, अगर कुछ भी हो जाता है ना तो सबसे ज़्यादा चिंता बच्चों को हो जाती है, अगर माँ को या बाप को कुछ तकलीफ़ हो जाए। तो वही गोलू आगे बैठा हुआ था, और जा रही हूँ मैं, कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, वो दवा देख रही थी, क्योंकि वहाँ मैंने कुछ भी नहीं देखा, जैसे ही लिया वैसे ही मैं निकल आई, वहाँ कुछ देखा ही सुना नहीं कुछ, क्योंकि लग रहा था कि कितनी जल्दी बच्चों के पास घर पहुँचें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए घर आने की भी जल्दी थी, तो वहाँ कुछ देखा ही नहीं हम लोगों ने, क्योंकि चिंता बच्चों की भी थी कि टाइम से घर पहुँचना है। घर भी मैं, वैसे तो मैंने दीदी को नीचे फ़ोन करके बोल दिया था, फिर भी ये दोनों अभी इतने समझदार नहीं है कि काफ़ी रात तक अकेले रह सकें, तो बस मैं जा रही हूँ अब हाथ पैर धुल के कपड़े चेंज करने। कुछ नहीं, हल्का फुल्का खाना ही बनाया, दाल रोटी दोनों ही बनाया है, और अब मैं यहाँ देखिए गोली वाली पैर दबा रहे हैं, अभी शेख से बात भी करते जा रहे हैं, और यहाँ मेरे पैर भी दबाने में मना करेंगे लोग जाते, लेकिन अपने मन से ही बड़ा वाला हो या छोटा वाला हो, अपने मन से ही आ जाते हैं, यही ना बोलते हैं कहीं से पता नहीं रहता कब हमारी अचानक से तबीयत कैसे ख़राब हो जाती है। वैसे मुझे उनकी पहले से शिकायत करते हो रही थी, लेकिन अब एकदम अचानक ज़्यादा हो गया, चेकअप करवा के आए हैं,
यहीं पर करती हूँ फ्रेंड्स ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।